राम मंडली, टिप टॉप चोला भाई अपने टिप टॉप शो बोल खोला विद चोला में आपका स्वागत करती है। आज है ना हमारे शो में आ रहे हैं वर्ल्ड के सुपरस्टार, मेरा प्याला प्यार शाहरुख खान। हाय स्वीटहार्ट। हाय शाहरुख, काला पाउडर लगाती हूँ? एब्सोल्युटली, वो जरूरी है। आपको इतने शोज बुला रहे थे पर आपको हमारा शो इतना आवड़िया कि आप हमारे शो में आया। हाँ, बहुत। आप आने वाले इसलिए मैं इतनी खुश थी। देखो ना मैंने कितना आवरा है, कितना मेकअप किया है। तो आप चोला भाई से मिलने के लिए क्या क्या तैयारी करके आए हो? और स्किन को क्लीन किया है कि मैं यंग लगूं। मैंने अबाउट 7-8 किलो वेट लूज किया कि लड़के जैसी बॉडी हो जाए। अय्या, तो ऑडियंसेस शाहरुख है ना, मेरे को बहुत सालों से ओळखता है, उसका मेरा बहुत पुराना लफड़ा है। शाहरुख तुम्हें सांगा ना, तो मैं काय सांगू। अच्छी बात यह है कि मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल बाद मैं लौंडा भी बन गया हूं। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। ऑडियंसेस, हम दोनों का एक सीक्रेट है, वो आज मैं आपको बताती हूँ। शाहरुख है ना, मेरे प्यार में 5 साल पहले येड़ा हो गया था, उसको मेरे भाई ने इतना दूध निकाला था। शाहरुख याद है ना वो सिल्वर मेमोरीज? मेरी तो अभी भी कई जगहों पर पिटाई हो जाती है। देवा, शाहरुख डार्लिंग है ना, मेरे भाई को बहुत भीते, उनको डर के ना लड़की का ड्रेस पहन के आते थे मुझसे मिलने के लिए। आज आप ये मानसाचे कपड़े क्यों पहन के आए? कोशिश की लड़कियों का मैंने स्कर्ट वगैरह पहना। मैंने विग भी लगाया, मगर मैं इतना बेहुदा और खराब लगा कि मैं चुड़ैल लगने लग गया। मिलना है क्या भाऊ को? मिलना नहीं है मुझे, ज्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। जब आपके घर में समझिया कि आप मेरे प्यार में इतने येड़े हो गए हो, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? बच्चे बड़े हो गए तो वो मुझे बोलते हैं कि पापा यू कांट बी लाइक दिस, अब आपकी उम्र हो गई है, आप बड़े हो चुके हो, आपको ऐसा नॉटी बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र हो गई होगी, तुम्हारे बाप की नहीं हुई है। नॉटी डार्लिंग, 5 साल पहले मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, पर मैं अभी बहुत एक खतरनाक एक्टिंग करती हूँ। दिखाऊ सैंपल? देवाचा आशीर्वाद असतो एक चुटकी सिंदूर, कोणत्या तलवारीवर सर रखू सांगून टाक मला। कैसे लगा? तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। आप आने वाले इसलिए मैंने एक रेप किया, आपको सुनाऊं? ओटांवरचा हसू तुझ्या करतो मला वेडा, दुनिया तुझ्या मागे माझा विचार करना थोड़ा, 24 तास नावाचा आवाज तो मी पाडा वेडा, मी वेडा वेडा तुझ्याच मागे वेडा। पहले तो आपको पसंद था मेरा रेप? बचपना था बेवकूफ, बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही है ना। सोड़ा ना मेरे साथ गुच्ची गुच्ची फ्लर्ट करने का, सोड़ो ना। क्या क्या आवड़ता है? मुझे लड़कियों की चीजें देखने का या उनके प्रोग्राम देखने का शौक है। अग्गु भैया, पूरा जग कहता है कि चोला भाई ये शोभती है शाहरुख खान को, वो मेरी सौतन गौरी नहीं, आपका क्या कहना है? तो दुनिया मानती है मैं। आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि चोला भाई इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैंने दुख से बोला था। ये मैंने कंप्लेन किया था। सोड़ा ना, इतना प्यार करते हो मेरे से तो फिर वो हीरो निको क्यों चिटकता है? फोर्स किया, लोग मुझे फोर्स करते हैं, जबरदस्ती कह कह के जो है लड़कियों के गले लगाते हैं। मैं तो कहता नहीं नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर पकड़ लेता हूँ कि क्या फूटी किस्मत मेरी, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ सारा दिन गले मिलो, उनको किस करो, प्यार करो, मोहब्बत करो और फिर उसकी पेमेंट भी लो। लोगों के सामने नहीं करेंगे। हाँ, नहीं। बाद में आपसे चुम्मा देने को कोई नहीं था, वो किसके पास जाते थे? तो एक बारी धर्म जी का लेता था, एक बार अम्मी जी का लेता था। और वो आंटी का क्या किस्सा है? जाके आंटी से पूछ लो। मेरे लिए गाना बोला था। मन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तो ऑडियंसेस तुम्हें बघितलं ना शाहरुख मेरे को कितना प्यार करता है, मेरे पीछे येड़ा है। तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, मैं आऊंगी ना तो घंटी बजनी चाहिए है कि नहीं। मेरा वीडियो कैसा लगा था क्या टिप टॉप, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगले हफ्ते मैं आ ले था। बाय।